नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। आपको पता है कि आज दिन में ही NDA की सीटों का ऐलान हो गया। 17 सीटें जदयू की, 17 सीटें भाजपा की और 6 सीटें लोजपा की। तो अब उम्मीदवारी तय करने का वक्त आ गया है। भाजपा के उम्मीदवार करीब करीब स्पष्ट हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट एक तरीके से बना रखी है और इसकी जानकारी भी मीडिया को हो गई है कि किन के टिकट कटे हैं, किन के टिकट बचे हैं और कौन नए हैं। लेकिन जदयू, जिन्हें 17 सीटों पर चुनाव लड़ना है, वहां उम्मीदवारी को लेकर रेस देखी जा रही है। और आपको पता है कि नीतीश कुमार सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर की तरह काम करते हैं, मतलब उनका निर्णय जब तक सामने ना आ जाए पब्लिक डोमेन में, आप समझ लीजिए कि उम्मीदवारी की रेस अभी जारी है। फिर भी हम आपको 17 सीटों पर अंतिम दौर में 35 कौन दावेदार हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं, कई सीटें तो फाइनल हैं, हम उनके नाम आपसे बताने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि वे 17 सीटें कौन हैं जिन पर जदयू को चुनाव लड़ने हैं। तो 17 सीटों में वाल्मीकि नगर की सीट शामिल है, सीतामढ़ी है, झंझारपुर है, सुपौल है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, मधेपुरा है, गोपालगंज है, सिवान है, भागलपुर है, बांका है, मुंगेर है, नालंदा है, काराकाट है, जहानाबाद है और गया है। अब एक एक सीट पर उम्मीदवारी किनके किनके बीच फंसी हुई है या किनके नाम ऐलान हो सकते हैं, फिर से कह रहे हैं कि जब ऐलान हो जाए तभी पक्का मानिएगा कि जदयू में कौन उम्मीदवार बन गया, क्योंकि अंतिम तक किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन जो जानकारी बाहर आ रही है और जो हमें सूत्र बता रहे हैं, उनके हिसाब से एक एक सीट के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। वाल्मीकि नगर, पहले कहा जा रहा था कि पूर्व सांसद बैद्यनाथ प्रसाद मेहता का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन नई जानकारी ये है कि अमर साहनी अब आगे चल रहे हैं जदयू के उम्मीदवार बनने की दौड़ में। अमर साहनी ने 2014 में भी लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था और करीब 38,000 वोट लाए थे। बिहार में मुकेश साहनी के कारण, आपको पता है, सन ऑफ मल्ला के कारण निषाद पॉलिटिक्स मजबूत हुई है और सभी पार्टियां दबाव में हैं। तो जदयू भी किसी एक मल्ला को चुनाव लड़ाने का फैसला कर रही है और ऐसे में वाल्मीकि नगर में अमर साहनी का नाम सबसे आगे हो गया है। सीतामढ़ी में सबसे आगे नाम है डॉक्टर वरुण कुमार का। ये कुबेर पुत्र माने जाते हैं, कहा जाता है कि इनके पास धन इतना है कि पूछो मत। तो इनका नाम सबसे आगे हो गया है, जाति से सूरी हैं। यहाँ पहले चर्चा चल रही थी विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर की, लेकिन वे अब NDA में पिछड़ गए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर पहले सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने को तैयार बैठे थे, दोनों ओर से जहां सीट जाती, चाहे भाजपा में चाहे जदयू में, वे दोनों के करीब रहे हैं। लेकिन अब डॉक्टर वरुण कुमार, जो सीतामढ़ी के कुबेर पुत्र माने जाते हैं, उनका नाम जदयू की उम्मीदवारी में सबसे आगे है। झंझारपुर में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, तीन नाम हैं लेकिन चौथा नाम भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ एक शिवनंदन मंडल हैं, SN मंडल, इनके पास भी मालजाल ठीक है, तो ये हैं, इनका नाम चल रहा है। दूसरा है RB मंडल, ये लोखा के रहने वाले हैं, ये भी लगे हुए हैं बहुत तेज़ी से। तीसरे भारती मेहता हैं, इन्होंने अपना नाम खुद चलवा लिया था कि कैसे चलवा लिया था, संस्कृत शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष भी हैं। जब कहा जाता है कि इनका नाम किसी अखबार में छप गया तो मुख्यमंत्री नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अच्छा, अब भारती मेहता का भी नाम अखबार में छपने लगा तो क्यों नहीं पहले संस्कृत बोर्ड से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये सारी बातें हुई। सुपौल में बिल्कुल स्पष्ट है, सुपौल में दिलकेश्वर कामत ही जदयू के प्रत्याशी होंगे और कोई दूसरे दावेदार नहीं है। मतलब सुपौल में कांग्रेस की श्रीमती रंजीत रंजन के खिलाफ दिलकेश्वर कामत मुकाबला करेंगे जदयू की ओर से। विजेंद्र प्रसाद यादव, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वे चुनाव लड़ने को, संसद का चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है। किशनगंज में जदयू को मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। किशनगंज में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक पर दांव चल रखा है, जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात की है और उन्हें यह ऑफर किया गया है कि आप कांग्रेस छोड़िए, जदयू में आइए और चुनाव लड़िए। इस महामिशन में कई लोग लगाए गए हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वे चुनाव लड़ने को किशनगंज से इच्छुक भी हैं। पहले या अब भी कहें,
मुनाजिर हसन जो बेगूसराय के पूर्व सांसद रहे हैं, उनका भी नाम किशनगंज के लिए चलता रहा है क्योंकि बेगूसराय किसी भाजपा के खाते में चली गई। लेकिन मुनाजिर हसन चाहते थे कि उन्हें भागलपुर से टिकट दे दिया जाए, लेकिन भागलपुर से टिकट दे पाना नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं हो रहा है मुनाजिर हसन को। तो यहाँ कांग्रेस के विधायक आते हैं कि मुनाजिर हसन आते हैं या कोई तीसरा चला आता है, ये देखने की बात होगी। कटिहार की स्थिति स्पष्ट है। दुलाल चंद गोस्वामी जो पूर्व विधायक रहे हैं वे चुनाव लड़ेंगे, जदयू के उम्मीदवार होंगे, यह स्पष्ट है। यहाँ कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रह गया है, ऐसा लग रहा है। पूर्णिया में तो जदयू के मौजूदा सांसद हैं संतोष कुशवाहा, लेकिन संतोष कुशवाहा की कई शिकायतें भी लोग लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे, फिर गंभीर मंथन शुरू हुआ था और इसी बीच एक नया नाम वहां चल पड़ा नवीन कुशवाहा का। खाद बीज के व्यापारी हैं, ठीक मालजाल है, तो इनका भी नाम चल रहा है, लेकिन संतोष कुशवाहा का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है। आखिरी फैसला क्या होता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मधेपुरा में भी मंत्री दिनेश चंद्र यादव का चुनाव लड़ना तय है, लेकिन यदि आप कहेंगे कि मधेपुरा के लिए तीन नाम लिए जाएं जिनके बीच में अंतिम दौर में मगजमारी चलती रही, तो निखिल मंडल भी हैं, ओम मंडल पूर्व विधायक हैं, बहुत शालीन आदमी माने जाते हैं, तो पर यहाँ यह मान ले सकते हैं कि शरद यादव और पप्पू यादव का मुकाबला बिहार सरकार के मंत्री दिनेश चंद्र यादव करेंगे और उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू भी कर दी है। गोपालगंज रिजर्व सीट है, स्थिति स्पष्ट है। डॉक्टर आलोक सुमन ही उम्मीदवार होंगे जो पिछले दिनों आरसीपी सिंह के द्वारा जदयू में शामिल कराए गए हैं, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, पर गोपालगंज में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, रविदास समुदाय से आते हैं और सब कुछ है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। सिवान बड़ी सीट, सिवान में हीना साहब मतलब शहाबुद्दीन के प्रभाव से कौन लड़ेगा। सिवान सीट भाजपा के खाते से जदयू में आई है और ओम प्रकाश यादव का टिकट कट गया है, तो अभी जो चर्चा है इसे फाइनल मत मानिए, चूंकि नाम तय ना हो गया तो इसे फाइनल मत कहिएगा। अजय सिंह ये भी बाहुबली हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है, पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कितने राजपूत चुनाव लड़ेंगे एनडीए से, तो ये देखने वाली बात है। तो कि पर सिवान की जो स्थितियां हैं परिस्थितियां हैं उसमें शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा और क्या सामाजिक पृष्ठभूमि बनेगी, यह देखने वाली बात होगी, पर अभी सबसे आगे अजय सिंह का ही नाम है। भागलपुर जहां शाहनवाज हुसैन टिकट से वंचित हो गए और भाजपा से सीट जदयू के खाते में चली आई, तो वहां कहा जा रहा है कि बुलो मंडल जो मौजूदा सांसद हैं राजद के, उनके खिलाफ जदयू नाथनगर के विधायक अजय मंडल को चुनाव मैदान में उतारने के लिए तैयार है। तो अजय मंडल का नाम सबसे आगे चल रहा है, पर कहकशा परवीन और अबू कैसर का नाम अभी खत्म नहीं हुआ है, फैसला होने दीजिए। ये तीन नाम हैं, इन तीन नामों में जीतता कौन है देखना होगा। बांका का पैतरा ज्यादा फंस गया है। आपको पता है कि बांका की सीट आखिरी घड़ी में जदयू के खाते में आई और राजनाथ सिंह ने औरंगाबाद पर वीटो लगा दिया, इसलिए औरंगाबाद भाजपा के खाते में चली गई, जहां सुशील कुमार सिंह फिर से उम्मीदवार होंगे, मौजूदा सांसद हैं। 2014 में बांका में पुतुल सिंह भाजपा से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, तो वो दिग्विजय सिंह की पत्नी है, उनकी अपनी पृष्ठभूमि है, उनकी अपनी पकड़ है, तो ऐसे में मामला ये फंस गया है कि पुतुल सिंह भाजपा में है, क्या वह जदयू में आकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन पैतरा इतना ही नहीं है, नरेंद्र सिंह को नीतीश कुमार ने शामिल कराया था, पुराने नेता हैं, पहले तो कहने की बात थी कि सीट भाजपा में चली गई तो हम क्या करें, लेकिन अब सीट जदयू में है तो नरेंद्र सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए उतावले हैं। ठीक इसी तरीके से गिरिधारी यादव जो जदयू के विधायक हैं, पहले सांसद भी रहे हैं, वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो यहाँ देखना होगा कि सामंजस्य कैसे बैठता है। पुतुल सिंह को टिकट नहीं दिया गया तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगी और फिर ऐसे में जयप्रकाश नारायण यादव का रास्ता आसान हो सकता है, और यदि पुतुल सिंह को टिकट दिया गया तो नरेंद्र सिंह नाराज हो जाएंगे, जमुई में भी उनका प्रभाव पड़ेगा, फिर गिरधारी यादव तो नाराज होंगे ही बांका में, तो ये सारी स्थिति है। मुंगेर में तो कोई लोचा ही नहीं है, मंत्री ललन सिंह का टिकट स्पष्ट है, कोई यहाँ महामुकाबला होना है अनंत सिंह के साथ, अनंत सिंह की पत्नी अब नीलम देवी चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस के टिकट पर। तो ये नालंदा में कौशलेंद्र कुमार मौजूदा सांसद हैं जदयू के, मान लीजिए कि टिकट उनको ही मिलता है, लेकिन यदि कोई परिवर्तन हुआ तो मंत्री श्रवण कुमार का नाम चल रहा है। तो ये सारी स्थिति
आप अब काराकाट जहां से उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लड़ना है रालोसपा के प्रमुख, और नीतीश कुमार की प्रायोरिटी में है उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरा देना, ताकि 2020 में जो दावेदारी कर रहे हैं उन्हें यहीं बोरिया बिस्तर बांध दें, तो इनके खिलाफ कौन लड़ेगा? काराकाट में मामला अजीबोगरीब है। भगवान सिंह कुशवाहा रालोसपा में थे और वे जदयू में आए, जब भगवान सिंह कुशवाहा महागठबंधन में चले गए। भगवान सिंह कुशवाहा खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, कहते नहीं थे लेकिन इच्छा तो थी ही, चुनाव लड़ना किस हर राजनेता की इच्छा होती है। अपनी पकड़ को मजबूत बताने के लिए वे डेहरी के एक डॉक्टर डॉक्टर निर्मल को जदयू में शामिल कराने के लिए लाए। डॉक्टर निर्मल भी धनी हैं, सब कुछ है, जाति से कुशवाहा हैं, लेकिन देखिए कमाल देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा पीछे छूट गए और डॉक्टर निर्मल की उम्मीदवारी पर अब मुहर लग सकती है जदयू में, क्योंकि डॉक्टर निर्मल दावेदारी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। यदि बाकी लोगों की बात करें तो महाबली सिंह भी हैं दावेदार, नागमणि तो स्वयं बोल रहे थे कि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है, और वे यह भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें कह दिया है। तो ये काराकाट की हालत है कि जहाँ डॉक्टर निर्मल सबसे आगे हैं, महाबली सिंह का नाम चल रहा है, नागमणि का नाम चल रहा है, भगवान सिंह कुशवाहा का नाम चल रहा है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ देहरी में, मतलब काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र देहरी में विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, वहाँ किसे चुनाव लड़ाया जाता है यह देखने वाली बात होगी। जहानाबाद में क्या होगा? जहानाबाद में जदयू के भीतर जो नाम सबसे आगे चल रहा है वह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बागी कुमार वर्मा के परिवार की सदस्य कुमुद वर्मा का है, मतलब उपेंद्र वर्मा की बहू। तो जहानाबाद में यह नया चेहरा कितनों को निराश कर देगा पता नहीं। अभी हम कह रहे हैं नाम आगे चल रहा है, फैसला नहीं हुआ है, कुमुद वर्मा का नाम आगे चल रहा है। रामरतन सिन्हा बड़े धूमधाम के साथ पिछले महीने शामिल हुए थे जदयू में, लगा था कि टिकट उन्हें ही मिल जाएगा, रेस में अब भी हैं क्योंकि भूमियार को प्रतिनिधित्व भी देना है, वैसे ललन सिंह तो हो ही गए हैं मुंगेर में। नरेंद्र सिंह बिहार के बड़े बिजनेसमैन, पालीगंज के रहने वाले हैं, समाजसेवी हैं, पाटलिपुत्रा और जहानाबाद में कहीं की बात चल रही थी तो उनके बारे में भी फैसला होना है। पर जहानाबाद में सबसे आगे नाम चल रहा है कुमुद वर्मा का, कुशवाहा है, कुशवाहा पॉलिटिक्स का दबाव आप समझ रहे हैं बिहार में। और गया में तो मामला बहुत इंटरेस्टिंग है, पर बात ये सही है कि वहाँ जदयू ने विजय मांझी को चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है। अब जानिए विजय मांझी कौन है। विजय मांझी भगवतिया देवी के बेटे हैं। भगवतिया देवी कौन? जो सांसद बनी थी और जिनके बारे में लालू यादव कहा करते थे कि मैंने एक पत्थर घिसने वाली महिला को सांसद बना दिया और संसद में पहुंचा दिया, तो उनके बेटे हैं भगवतिया देवी। परिवार में ही झगड़ा है और इसका फायदा जदयू ने उठाया है। दरअसल 2015 के लोक विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने भगवतिया देवी के बेटा और बेटी दोनों को बुलाया था टिकट के लिए। उन्होंने विधानसभा में टिकट दे दिया समता देवी को और वह चुनाव जीत भी गई। भगवतिया देवी की बेटी हैं समता देवी, लेकिन समता देवी मतलब बहन को टिकट देने से भाई नाराज हो गए विजय मांझी। दोनों में आपस में परिवार में बैर होता ही आपको पता ही होता है। तो विजय मांझी दूसरे पाले में चल गए और विजय मांझी अब जदयू के उम्मीदवार हो सकते हैं जहानाबाद में। गया की सीट आपको पता है कि भाजपा से जदयू में आई है, यहाँ जीतनराम मांझी उम्मीदवार हो सकते हैं, हरि मांझी का टिकट कट गया है। तो आप देख सकते हैं कि गया में जदयू के उम्मीदवार के रूप में विजय मांझी मैदान में दिखेंगे, जो भगवतिया देवी के बेटे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को जो बिहार और झारखंड के चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।